गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एनुबिस का अंडा बना सकते हो, कौन से पोकेमोन की आपको ब्रीडिंग करानी है, कैसे करानी है और आपको अंडा कैसे मिलेगा एनुबिस पोकेमोन का, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर गाइस आपको पता होगा कि ये रहा एनुबिस पोकेमोन का दोस्तों स्टेच्यू, और एनुबिस पोकेमोन दोस्तों हमको इस इलाके में देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आप लोग देख रहे हो, ये एनुबिस पोकेमोन का राजा है और इसको अभी पकड़ पाना हमारे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों इसका अंडा हम लोग बना सकते हैं और उसके अंदर से हम लोग एनुबिस पोकेमोन को निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से पोकेमोन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी ब्रीडिंग फार्म की, ये वाला ब्रीडिंग फार्म चाहिए और ये दोस्तों अनलॉक होता है 19 लेवल पे। और इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 100 वुड, 20 स्टोन और 50 दोस्तों फाइबर। फिर आप लोग दोस्तों इसको लगा सकते हो, जहां पे आपको जगह मिले वहां पे आप लोग इसे लगा सकते हो। और उसको लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों को उसके अंदर कौन कौन से पोकेमोन रखने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस उसमें रखना है सबसे पहले आप लोगों को पैनकिंग, ये पैनकिंग चाहिए। पैनकिंग दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एम पे हम लोग क्लिक करेंगे तो गाइस देखो ये रहा दोस्तों पैनकिंग का इलाका, 15 लेवल का है, आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आपके पास थोड़ा सा पावरफुल पोकेमोन होगा। तो ये वाला पोकेमोन आप लोगों को पकड़ लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए बूसी, बूसी कौन सा पोकेमोन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों बूसी पोकेमोन, ये आप लोगों को चाहिए। और आपको दोस्तों इसमें से मेल और फीमेल दोनों को रखना है, रखना कैसे है, कहाँ पे रखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ब्रीडिंग फार्म जिसके अंदर दोस्तों मैंने ऑलरेडी पैनकिंग और बूसी को रख दिया है और इन दोनों ने दोस्तों एक अंडा भी रेडी कर दिया है। लेकिन अंडा दोस्तों ये हमें तभी देंगे जब हम लोग दोस्तों इसे केक देंगे। तो केक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो हम लोगों ने ये वाली चीज लगाई है और इसमें केक भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखो केक में सबसे पहले ले लेता हूँ और केक को कहाँ पे रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन केक बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए वो देख लो आप लोग। तो भाई केक बनाने के लिए 5 फ्लोर चाहिए, रेड बेरी चाहिए, मिल्क चाहिए, एग चाहिए और हनी चाहिए। तो गाइस फ्लोर तो दोस्तों आप लोग फार्म लगा के भी बना सकते हो या फिर जो सेलर आता है उसे भी ले सकते हो। रेड बेरी तो आपको आसानी से मिल जाएगी, मिल्क दोस्तों आप लोग सेलर से ले सकते हो या फिर ऐसे इलाके में आपको गाय मिल जाएगी तो वहां जाके ले सकते हो। अंडे आप लोग दोस्तों मुर्गियों को मार के ले सकते हो। और हनी दोस्तों आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को दोस्तों हनी वाले पोकेमोन को पकड़ना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें फिनिश करना पड़ेगा तो आपको हनी मिलेगी। तो हनी वाले पोकेमोन आपको किस इलाके में मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ, और हनी वाले पोकेमोन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों हनी वाला पोकेमोन, एक ये रहा एलिजा बी और उसका दोस्तों एक बच्चा भी है, ये देखो। ये आप लोग दोस्तों देख रहे हो ये वाले पोकेमोन आपको फिनिश करने हैं तो आपको भाई मिल जाएंगे इनसे हनी भी। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पोकेमोन है ये। तो गाइस देखो ये वाला पोकेमोन आप लोग फिनिश करोगे या फिर इसकी रानी भी उसे फिनिश करोगे तो आपको दोस्तों हनी मिल जाएगी। और ये वाले पोकेमोन दोस्तों आपको इस इलाके में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर ये जो इलाका है गाइस यहाँ पर आपको ये हनी वाले पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे। उनको फिनिश करना है तो आपको एक हनी वाले पोकेमोन को फिनिश करोगे तो आपको 2 हनी मिलेगी। और यहाँ पर आपको इसे बिल्ड करना है, ये बिल्ड करने के लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर फूड वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको कुकिंग पॉट मिल जाएगा जिसको बनाने के लिए आपको 20 वुड चाहिए, 15 इंगोट चाहिए और 3 फ्लेम ऑर्गन चाहिए। फ्लेम ऑर्गन दोस्तों आप लोग फायर वाले जो पोकेमोन है उन्हें फिनिश करोगे तो आपको फ्लेम ऑर्गन मिल जाएंगे। फायर वाले पोकेमोन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे ज्यादातर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फायर वाले पोकेमोन दोस्तों आप लोग जहाँ पे भी हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इलाके में भी देखने को मिल जाते हैं या फिर दोस्तों आप लोग इस इलाके में जाओगे ठीक है यहाँ पर भी आपको फायर वाले देखने को मिल जाते हैं। और मुझे दोस्तों यहाँ पर फायर पोकेमोन काफी ज्यादा देखने को मिले थे इसी इलाके में, तो यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो। तो अभी दोस्तों ये सारा कुछ हो गया, मान लेते हैं कि आप लोगों ने सारा कुछ रेडी कर दिया, इन लोगों ने अंडा भी रेडी कर दिया है। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों ये बक्सा होगा ऑटोमेटिक इधर रखा हुआ आएगा इसके साथ ही, तो इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों इसके अंदर रख देना है हम लोगों को केक। केक रखने के बाद दोस्तों केक गायब हो जाएगा और ये दोस्तों हम लोगों को अंडा दे देंगे। देखो ये रहा अंडा, तो इस अंडे को हम लोग उठा लेते हैं, भाई काफी बड़ा अंडा हमको देखने को मिला है। और इस अंडे को दोस्तों हम लोग एग इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एग इंक्यूबेटर में इधर भी रखा है उधर भी रखा है, तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा खुली जगह पे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने गेहूं का जो फार्म लगाया है वहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाते हैं गेहूं। और गेहूं को पीसने के लिए दोस्तों आपको चक्की चाहिए, चक्की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आटा चक्की जिसे कहते हैं। ये रही देखो ये वाली मिल आपको लगा देनी है। इसको बनाने के लिए 50 वुड और 40 स्टोन चाहिए। इसको आप लोग लगा दोगे फिर आप लोग इसमें जो गेहूं जो पक जाएगा फिर वहाँ जाके आप लोग इसे बिल्ड कर सकते हो। वहाँ पे चक्की देखो वो रही हमारी। तो मान लेते हैं कि आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया, आपको अंडा भी मिल गया, तो सिंपली अंडे को रखना है एग इंक्यूबेटर के अंदर। और यहाँ पर अभी इसको ओपन करते हैं भाई। और गाइस देखो हम लोगों को मिल चुका है एनुबिस वॉज बॉर्न। भाई कुछ इस तरीके से हम लोग एनुबिस पोकेमोन का अंडा बना सकते हैं और ये पोकेमोन को आपको दिखाना भी बनता है। देखो हम लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दो पोकेमोन की हम लोगों ने ब्रीडिंग कराई, एक तो बूसी और दूसरे पैनकिंग की। तो पैनकिंग दोस्तों फीमेल है और ये है दोस्तों बूसी मेल। तो अभी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारे एनुबिस को, जो कि ये रहा गाइस, कहाँ गया, खाली जगह पे होगी, ये रहा देखो।
कितना बड़ा पोकेमोन है आप लोग देखो, तो ये काफी छोटा है देखो क्योंकि अंडे में से निकला इसलिए। और भाई इसकी स्पीड देखो भागने की, इतनी जल्दी की तरफ भाग गया भाई, रुक तो जरा सब्र कर भाई, इसको इधर ही रखते हैं हम लोग। भाई देखो ये रहा हमारा एनुबिस, तो देखा कुछ इस तरीके से आप लोग एनुबिस पोकेमोन का अंडा बना के उसमें से एनुबिस को निकाल सकते हो। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।